नमस्कार, ओम शांति। आपके साथ मैं हूं तुलसी। पीस न्यूज बुलेटिन में देखिए आज। हरियाणा के सिरसा में सूबे के सीएम मनोहर लाल खट्टर पहुंचे ब्रह्माकुमारीज के सद्भावना भवन, बीके सदस्यों ने किया अभिनंदन। ओडिशा के कटक में नो दाई सेल्फ फॉर हैप्पी लिविंग विषय पर राष्ट्रीय न्यायविदों का सम्मेलन। न्यायविदों ने कहा, स्वयं को जानने से ही होगा आत्मज्ञान का बोध। गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में चिकित्सकों के लिए हीलिंग द हीलर्स विषय पर त्रिदिवसीय रिट्रीट। डॉक्टर गिरीश ने कहा, श्रेष्ठ भाव एवं भावनाएं ही है सुख का आधार। और देश भर में नए वर्ष की धूम। राजधानी दिल्ली में ग्रामीण सिंचाई एवं श्रम मंत्री ने दी बधाई, तो पंजाब रांची नया रायपुर समेत पड़ोसी देश नेपाल में हर्षोल्लास के साथ नए वर्ष 2019 का हुआ आगाज। बुलेटिन की शुरुआत हरियाणा की खबर से। हरियाणा में सूबे के सीएम मनोहर लाल खट्टर अपने सिरसा दौरे के दौरान सी ब्लॉक स्थित ब्रह्माकुमारीज के सद्भावना भवन पहुंचे। इस अवसर पर सेवा केंद्र की संचालिका बीके प्रीति समेत अन्य सदस्यों ने पुष्प गुच्छ देकर उनका अभिनंदन किया। साथ ही उन्होंने मेडिटेशन कक्ष में कुछ क्षण व्यतीत कर राजयोग का ध्यान भी किया। इसके पश्चात बीके प्रीति ने उन्हें वहां की जा रही ईश्वरीय सेवाओं की जानकारी दी और परमात्मा अवतरण का संदेश भी दिया। वही बीके सुभाष ने मुख्यमंत्री व हिसार जोन प्रभारी संजय अरोड़ा को शॉल पहनाकर व ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मान दिया। इस अवसर पर हरियाणा पर्यटन निगम के अध्यक्ष जगदीश चोपड़ा, भाजपा जिलाध्यक्ष यतीन्द्र सिंह एडवोकेट, शीशपाल कम्बोज, अमीर चंद मेहता समेत अन्य कई अधिकारी भी मौजूद थे। उड़ीसा के कटक स्थित प्रभु समर्पण भवन में नो दाई सेल्फ फॉर हैप्पी लिविंग विषय पर राष्ट्रीय न्यायविद सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में आए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अमिताभ रॉय ने कहा कि अपने आप को जानने से आत्मज्ञान का बोध होगा और स्वयं का संपूर्ण ज्ञान होने से व्यक्ति कई गलतियों से अपने आप को बचा सकेगा। वी नो एवरीथिंग, वी आर सुपीरियर टू अदर्स। Why is it necessary for us to introspect, make us soul searching? We are perfect. We don't realize that it is not so. And therefore, these three modes are spiritually prescribed to start the process of self-introspection and ultimately know yourself. इस सम्मेलन का उद्घाटन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ए के पटनायक, न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति वी ईश्वरैया, न्यायमूर्ति अरविंद पच्छापुरे, कटक सब जोन प्रभारी बीके कमलेश, दिल्ली से आई न्यायविद प्रभाग की उपाध्यक्षा बीके पुष्पा, राष्ट्रीय संयोजिका बीके रश्मि ओझा समेत अन्य कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने दीप जलाकर किया, जिसके पश्चात कुमारियों द्वारा स्वागत नृत्य की प्रस्तुति भी दी गई। इस दौरान सम्मेलन में आए हुए अतिथियों ने अपने विचार रखे। In fact, I have come here because whenever I have gone to any Brahmakumari function, particularly in Mount Abu, and had the opportunity to listen to them, I have gained spiritually and come back. I go for, let us say, an annual, right, input for myself, a spiritual input for myself. To keep myself in place. Raja Yoga is something concentrating on our soul, concentrating on Baba, the Shiva Baba, connecting ourselves and imbibing all those qualities of peace, happiness, purity, etc. वही बीके पुष्पा ने आत्मा के सत्य स्वरूप से लेकर आत्मा के कर्तव्यों का पूरा यथार्थ ज्ञान सभी को दिया, जिसके बाद बीके रश्मि ने आयोजित विषय पर अपने विचार रखे। सो व्हाट इज द रिपोर्टर एग्जास्परेटेड एंड व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड योर एक्सपीरियंस। द जज सेड, वेल इट्स बैड डिसीजंस। आई थिंक दिस इज व्हाट ब्रिंग्स अस टू नो दाई सेल्फ। ओनली जब हम अपने आप में इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, तब हमें पता चलता है। सम्मेलन में न्यायमूर्ति डॉक्टर डीपी चौधरी, ओडिशा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीकांत कुमार, प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके लता, बीके अस्मिता समेत अन्य कई विशिष्ट अतिथि मुख्य रूप से मौजूद थे।
गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में चिकित्सकों के लिए हीलिंग द हीलर्स विषय के तहत 3 दिवसीय रिट्रीट का आयोजन हुआ। इस मौके पर डिवाइन हीलिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, जीन्स, इमोशंस एंड माइंड पावर जैसे विविध टॉपिक्स पर मुंबई से आए मनोचिकित्सक डॉक्टर गिरीश पटेल, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रजमोहन, जीबी पंत अस्पताल से हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोहित गुप्ता, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा ने सेशंस लिए। कार्यक्रम में अनेक विशेषज्ञ चिकित्सकों सहित 150 से भी अधिक लोगों ने शिरकत कर कार्यशाला का लाभ लिया। इस मौके पर इमोशनल इंटेलिजेंस विषय के तहत डॉक्टर गिरीश ने माइंड की स्टेबिलिटी, बीके ब्रिजमोहन ने 5 विकारों एवं डॉक्टर मोहित गुप्ता ने पॉजिटिव एनर्जी विषय पर चर्चा की। इज नॉट स्टेबल, वी कैन नॉट सी अवर इमेज क्लियरली। द सेम वे बिकॉज़ माइंड इज नॉट स्टेबल, we are not able to clearly understand our thoughts, our emotions, our needs. अगर कोई व्यक्ति हमारी तरफ नेगेटिव एनर्जी देता है, कोई सिचुएशन हमारे जीवन में नेगेटिव आती है, I also have a choice and a power to change that energy and reflect a positive energy out to that person. वही पैनल डिस्कशन में सभी विशिष्ट पैनलिस्ट ने सेलिंग थ्रू टर्बुलेंस विषय पर चर्चा की। आगे वैलिडिक्टरी सेशन में बीके आशा ने अपने विचार रखे। इसके साथ ही प्रतिभागियों ने कार्यशाला में हुए अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। नई दिल्ली में भारत सरकार के रेल मंत्रालय में रेलवे बोर्ड के नवनियुक्त इंजीनियरिंग मेंबर विश्वेश चौबे से संस्थान के सदस्य मुलाकात करने उनके ऑफिस पहुंचे। लोधी रोड सेवा केंद्र से वरिष्ठ फैकल्टी बीके पीयूष ने उनसे मुलाकात कर संस्थान की गतिविधियों की जानकारी दी। लगभग 20 मिनट तक चली बैठक में बीके पीयूष ने ईश्वरी ज्ञान चर्चा करते हुए संस्थान की पत्रिकाएं ज्ञानामृत, प्योरिटी एवं अन्य साहित्य भेंट कर उन्हें ईश्वरीय प्रसाद प्रदान किया। नए वर्ष पर दुनिया भर में जश्न देखने को मिला। कहीं पार्टीज तो कहीं सेलिब्रेशन का नजारा था। देश भर में संस्थान के सेवा केंद्रों में हर्षोल्लास का माहौल था। तो चलिए दिखाते हैं आपको कुछ शहरों की तस्वीरें जहां आध्यात्मिक अंदाज में नए वर्ष का आगाज हुआ। राजधानी दिल्ली के सिविल लाइन सेवा केंद्र पर ग्रामीण सिंचाई एवं श्रम मंत्री गोपाल राय ने सहपरिवार शिरकत की। इस मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीरा, राजयोग शिक्षिका बीके ममता ने उनका स्वागत करते हुए नए वर्ष की बधाई दी। वहीं अपनी शुभकामनाएं देते हुए गोपाल राय ने संस्थान द्वारा समाज में की जा रही सेवाओं की सराहना की। आप सब लोग जिस तरह से अपने चिंतन के साथ, सोच के साथ इस अभियान में है, चाहता हूँ मैं व्यक्तिगत रूप से जो भी आंशिक योगदान व्यक्ति व्यवस्था के रूप में हो सकता है, हम लोग भी करें। पंजाब के मोहाली में नए वर्ष के उपलक्ष में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों से लेकर बड़ों तक ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। ओ सारे रड़ मिल पाइए बोलियां, बोलियां ता पाइए शिव बाबा दिया। सच से आने बोल गए रब के ही सच्चाई जापे, सच से आने बोल गए रब। सुख शांति भवन फेस 7 स्थित राजयोग केंद्र पर नूरपुर, ब्रेदी, रोपड़, कुराली, मोरिंडा समेत अन्य कई स्थानों से आए संस्थान के सदस्यों ने हर्षोल्लास से नया वर्ष मनाया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेमलता, सह प्रभारी बीके रमा ने सभी को अपने आशीर्वचन दिए। इस मौके पर पूर्व जिला व सत्र न्यायाधीश गुरुचरण सिंह सरा, मुंबई से आए कई मल्टीनेशनल कंपनीज के पूर्व अध्यक्ष NS कलसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य प्रबंधक विपिन अग्रवाल मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। झारखंड के रांची सेवा केंद्र पर नए वर्ष एवं राजयोगिनी दादी जानकी के 103 वर्ष पूर्ण करने पर धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर नौ निहालों द्वारा एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी गई। वही सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने दादी जी की विशेषताओं का वर्णन किया। छत्तीसगढ़ में नया रायपुर के शांति शिखर में बड़ी संख्या में मौजूद लोगों के बीच सुंदर प्रस्तुति के माध्यम से 2018 को विदाई देते हुए सभी ने 2019 का स्वागत किया।
इस मौके पर चौबे कॉलोनी के विधायक विकास उपाध्याय ने जीवन में शांति का महत्व है इस पर अपने विचार रखे। वहीं रायपुर क्षेत्र की निदेशिका बीके कमला ने सभी को नए वर्ष के आगमन पर बधाई दी। अगर आपको कोई शांति पहुंचाता है, आपको एकत्र रखता है, एक मन से आप लोग शांत रखने का प्रयास करता है, वो आपकी संस्था है। इसलिए ये मंदिर से कम नहीं है, मंदिर और उसको मैं बराबर समझता हूं। मैं आपके इस परिवार में आपने जुड़ने का मौका दिया है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। पड़ोसी देश नेपाल के वीरगंज में नए वर्ष 2019 का आगाज। सदस्यों ने संगठित रूप से 108 घंटों के गहन राजयोग साधना कर किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में जिला के नवनियुक्त प्रमुख जिला अधिकारी नारायण प्रसाद भटवाई, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रवीना समेत अन्य अतिथियों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में नारायण प्रसाद ने कहा कि आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग साधना के माध्यम से सभी लोगों में विश्व बंधुत्व की भावना जागृत होगी और संस्थान का यह प्रयास प्रशंसनीय है। अब खबरें एक नजर में। मध्य प्रदेश के रतलाम में लायंस क्लब द्वारा महिला सशक्तिकरण विषय पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन। मौके पर डोंगरे सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सविता को क्लब के अध्यक्ष संयोजिका सुषमा श्रीवास्तव, एएसपी सुलोचना शर्मा तथा क्लब के सभी सदस्यों की उपस्थिति में किया गया सम्मानित। बीके सविता ने महिलाओं के आंतरिक रूप से सशक्त होने के लिए जीवन में आध्यात्म को शामिल करने का किया आह्वान। ओडिशा के ढेंकनाल में सिनर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी समेत नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेज, जिला शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय में कार्यक्रम का हुआ आयोजन, जिसमें माउंट आबू से आए वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान ने सकारात्मक चिंतन और मूल्यनिष्ठ जीवन, आदर्श शिक्षक आदि विषयों पर की चर्चा। इन कार्यक्रमों में सिनर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के फिजिक्स के एचओडी डॉक्टर जयश्री सिंह, नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेज की प्राचार्य झरना प्रधान डॉक्टर सत्यभामा साहू तथा जिला शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय की प्राचार्य नलिनी प्रभा देवी, वरिष्ठ अध्यापिका डॉक्टर सुजाता रथ एवं स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके उषा मुख्य रूप से रही शामिल। इस दौरान बीके भगवान ने विद्यार्थियों को कराई राजयोग की अनुभूति। आगे स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा श्रीराम मंडप में विश्व शांति और स्व उन्नति हेतु राजयोग ध्यान कार्यक्रम में ईटेक महाविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार महंत समेत बड़ी संख्या में अन्य लोग हुए उपस्थित। बीके भगवान ने कहा कि वर्तमान समय में राजयोग साधना की है आवश्यकता। हरियाणा के कादमा में हिंदुस्तान स्काउट गाइड्स, जय हिंद मंच झोझुकला एवं ब्रह्मा कुमारी के कादमा सेवा केंद्र के संयुक्त प्रयास से रक्तदान शिविर का झोझुकला सेवा केंद्र पर हुआ आयोजन। पूर्व नौसेना कमांडर सुनील शर्मा, जनसेवा महासंघ के अध्यक्ष सत्यवान शास्त्री, सेवा केंद्र प्रभारी बीके वसुधा समेत अन्य कई प्रतिष्ठित लोगों ने किया उद्घाटन। रक्तदान को महादान बताते हुए ऐसे कार्यों को समाज व देश के लिए लाभदायी बताते हुए ब्रह्मा कुमारीज का किया सम्मान। आगे बीके वसुधा ने अतिथियों को भेंट की ईश्वरीय सौगात। चंडीगढ़ के सेक्टर 40B सेवा केंद्र पर सीनियर सेकेंडरी मॉडल स्कूल के बच्चों ने आकर जीवन जीने की कला को सीखकर औरों को सिखाने का लिया संकल्प। मौके पर 46B सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूनम ने तनाव मुक्त जीवन व महिला सशक्तिकरण पर बच्चों के सवालों का उत्तर देते हुए राज्यों को जीवन में अपनाकर राष्ट्रीय सेवा संगठन के माध्यम से सभी का कल्याण करने का किया आह्वान। बच्चों के साथ टीचर्स ने भी अपने विचार किए व्यक्त। आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।